दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक सेंट्रल अमेरिकन सिकलेट के ऊपर, EBJD, इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डैम सिकलेट। अभी कुछ देर में आप लोगों को उसका वीडियो भी दिखाऊंगा और कुछ लोग उनको पहचानते भी हैं, लेकिन जो EBJD के बारे में उतना जानते नहीं हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। पहला तो है ये EBJD का साइज क्या होता है। तो ये एक्वेरियम में तो हम लोग अवेलेबल मार्केट में 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच से मिल जाएगा, हमारे पास आपको 5 इंच 5 इंच प्लस साइज भी मिलेगा, लेकिन ये एक्वेरियम में ऑन एन एवरेज 8 से 10 इंच तक बढ़ जाता है। और आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, इसका वाइब्रेंट कलर आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया कलर है इसका, तो ये और भी एनहेंस होता है। ये जैसा जैसा ग्रोथ लेता है इसका कलर उतना पक्का होते जाता है। अगर फीडिंग की हम लोग थोड़ा बात करें तो ये फीडिंग में पैलेट्स भी खाता है और फिर लाइव वॉर्म्स या फ्रोजन फूड ये सब भी ये खा लेता है। अगर ये एग्रेसिव है या नॉन एग्रेसिव है इसके ऊपर हम लोग अगर ध्यान दें तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ये एग्रेसिव फिश है। तो इसको कभी भी सॉफ्ट वैरायटी के फिशेस के साथ रखने का प्लान मत कीजिए। EBJD को कोई बहुत सारे हॉबिस्ट है जो अकेला उनका सेटअप बना के अकेला रखता है, आप बियर टैंक में या फिर सैंड देके भी रख सकते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि इसको कम्युनिटी में भी डाला जाता है, लाइक ऑस्कर के साथ, पैरोट के साथ, शिवरम के साथ भी EBJD रह जाता है। और इसकी अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो आप गूगल सर्च करेंगे भी तो आपको मिलेगा कि 8-10 साल रह जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5-6 साल रह जाएगा अगर आप सही तरीके से इसको रखेंगे। तो EBJD के बारे में और भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर जा रहा है उस पे कम्युनिकेट कीजिए, और इसको कैसे रखना है, नहीं रखना है, क्या टेम्परेचर होगा, ये और भी जो भी इंक्वायरी है एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है। तो आप वो नंबर पे फोन करके पूछिए, ऑर्डर देना है दीजिए, और कैसे ये फिश आपको इजीली मिलेगा वो भी जान लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबाई को भालो थाकबे।